डालेंगे नजर अगली खबर की ओर। खबर आ रही सपोटरा से, जहां पर उपखंड मुख्यालय पर किसानों ने खाद विक्रेताओं पर काला बाजारी व मनमाने दाम वसूलने का लगाया सब। किसानों की भारी भीड़ देखी जा रही है खाद की काला किल्लत के कारण। यहां पर आप देख सकते हैं जैसे ही सपोटरा में आज खाद की गाड़ी पहुंची है, किसान एक प्रकार से दुकान पहुंच गए हैं और दुकानदार के यहां पर जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है। हम बात करेंगे यहां के पर जो किसान है उनसे, क्या आपको पर्याप्त मात्रा में खाद मिल रहा है? तो हाँ, आप क्या कह रहे हो, आप बताइए। ये कह रहे हैं कि तीन तीन घंटे लाइन लगे होगी, आधार कार्ड और उनका आरआर, हमारा रह रहा है, दे नहीं दिया एक कट्टा भी। यानी आधार कार्ड से खाद दिया जा रहा है? आधार कार्ड। कितना खाद मिल रहा है? एक 280 का। और दो से ज्यादा अगर कोई लेना चाहे, चार कट्टा लेना चाहे, कोई नहीं दे रहा। तो देख सकते हैं यहाँ पर सपोटरा में किस प्रकार से खाद की एक किल्लत चल रही है। लंबे समय से किसान हर प्रकार से मारा जा रहा है। जहाँ पर पहले तो बरसात नहीं हो रही, बरसात होती है तो किसान को खाद नहीं मिल पाता है और मनमानी का यहाँ पर एक रूप हमें देखने को मिल रहा है जिस प्रकार से। और किसानों का आरोप है कि 350 तक के कट्टे भी यहाँ पर बेचे जा रहे हैं। हाँ, क्या कह रहे हो? ब्लैक से दे रहा कट्टा, ब्लैक से कितने का बेचा जा रहा है? 400 का बेच रहा है। कौन, क्या नाम है, कौन दुकानदार है? निर्मल आयरन है ये ना। तो आप सामने जो दुकान देख रहे हो, निर्मल आयरन एंड सीमेंट वर्क सपोर्टरा, और 400 कट्टे स्टॉक में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं किसानों के द्वारा कि 450 कट्टे स्टॉक में कर दिए हैं और ब्लैक से बेचा जा रहा है। वही दूसरी तरफ सामने एक दुकान है, उस पर हम आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, किसानों की भारी भीड़ है। यह दुकानदार से बात करेंगे, जानेंगे किस प्रकार से कट्टों का वितरण किया जा रहा है क्या। और जबरदस्त भीड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, महिलाएं भी बड़ी लाइन में लग रही है। यहाँ पर बहुत ज्यादा संख्या में सुबह से ही इस प्रकार की भीड़ है। मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर जो दुकानदार है, एक भैया एक साइड होना थोड़ा सा। सेठ जी कौन है? अरे इधर आओ सेठ जी। किस प्रकार से खाद दिया जा रहा है किसानों को, थोड़ा बताइए। मशीन से। तो एक किसान को कितना कट्टे दिए जा रहे हैं? अगर किसी को दो से ज्यादा ही जरूरत है तो उसके लिए अभी लिमिट का माल आया है। कितने दिन बाद गाड़ी आई है यहाँ पर? आज डेढ़ महीना में आई है। डेढ़ महीने में। तो ये दुकानदार है, आपका शुभ नाम क्या है? मनोहरलाल गुप्ता। मनोहरलाल गुप्ता है ये, इनका कहना है कि और करेगा, ये बंद कर दिया। हाँ, आपका क्या नाम है, आप बताइए, खुलकर बोलिए। दुकान वाले हैं।